अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पूरे प्रदेश में एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। इस लिखित परीक्षा में कक्षा 9वीं से 12वीं के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बच्चों के हुनर को निखारने के लिए या फिर ये कहें कि बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा को निखारने के लिए अनेक सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं समय समय पर लिखित परीक्षा का आयोजन करती रहती हैं। इसी कड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पूरे प्रदेश में एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में प्रदेश के हजारों बच्चों ने भाग लिया। मीडिया प्रभारी दिशी पठानिया ने बताया कि प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम व ऐसी परीक्षाओं का आयोजन करती रहती है। तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है पूरे प्रदेश भर में स्वामी विवेकानंद जी के टेस्ट 8 तारीख को जो है ऑर्गेनाइज कर रही है। तो इसमें पूरे प्रदेश भर के स्कूलों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और इसमें जो है तकरीबन बहुत से स्कूलों ने इसमें जो है सेंटर बनाए गए हैं और इसमें पूरे प्रदेश भर में 50,000 के करीब बच्चों की संख्या इसमें जो है वो रह रही है और इसमें जो प्रदेश स्तर पर यह टेस्ट करवाया जा रहा है और इसमें स्टेट में जो बच्चा फर्स्ट आएगा उसके लिए 25,000 रुपए जो है फर्स्ट प्राइज रखा है और सेकंड प्राइज 15,000 और थर्ड प्राइज जो है वो 11,000 रखा है और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में इस टेस्ट में जो है फर्स्ट आएगा उसे 5,000, सेकंड के लिए जो है 3,000 और थर्ड के लिए 2,000 जो है प्राइज रखे हैं और इसमें सातवाना जो है 5 प्राइज 1,000 रुपए के जो है रखे हुए हैं। तो इसमें जैसा कि आपको पता ही है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है छात्रहित के लिए काम कर रही है और करती है। तो इसमें जो बच्चों के जीके का लेवल है वो उसको बढ़ाने के लिए पूरे प्रदेश में अलग अलग से जो है टेस्ट करवाए जाते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा। इसका जो हमारा मुख्य पर्पज जो है इस टेस्ट का यह रह रहा है कि जो बच्चों का जीके लेवल है, जो जीके के मतलब आगे जाकर जो प्लस टू के बाद इसमें जो है 9th से लेकर प्लस टू तक के बच्चे जो है भाग ले रहे हैं, तो जो प्लस टू के बाद बच्चे टेस्ट देते हैं तो किस तरह से आगे प्लस टू के बाद वो टेस्ट क्वालिफाई करेंगे या किस तरह के टेस्ट उनको आगे आएंगे उसी तरह के टेस्ट के बारे में अवगत करा रहे हैं हम इनको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा।